नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपको भारत की सांगीतिक यात्रा पर ले चलेंगे, अ म्यूजिकल टूर ऑफ इंडिया। भारत ऐसा महान देश है जिसकी महिमा और गरिमा का स्रोत है भारत की विद्या, कला और ज्ञान का अनंत भंडार। हमारी इस समृद्ध विरासत और परंपरा को पूरा विश्व नमन करता है। ऐसे महान भारत में छुपी हुई कई प्रकार की कलाओं में से एक विशिष्ट कला है अपना भारतीय संगीत। भारतीय संगीत ऐसा विशाल और विस्तृत समुद्र है जिसके आगोश में हर प्रकार का संगीत बसा हुआ है। गजल, भजन, फिल्म संगीत, रवींद्र संगीत इत्यादि सभी इसकी संतान हैं। ये लोक मनोरंजन करती है, शारीरिक और मानसिक शांति देती है और मोक्ष और साधना का भी सुगम साधन है। ऐसे महान भारतीय संगीत को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सरगम हर तरफ से गूंजे मन कर देसरा 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 आ प्यारे बच्चों, ये हम सबके अहोभाग्य हैं कि परम आदरणीय सुश्री वीणा जी यहाँ उपस्थित हैं। आओ, इनसे संगीत रूपी शिक्षा का प्रसाद लें। इनके चरण वंदना करके, बहुत बड़ी गायिका हैं, गुरुजन हैं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ और आपको वादा देता हूँ कि ये जो बच्चे यहाँ पर इतनी ललक के साथ यहाँ पर आए हैं, ये बिल्कुल सुयोग्य बच्चे हैं। अब आप अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, हमारे शास्त्रीय संगीत को किस तरह से करती हैं, ये तो आपके लिए, आप तो उसमें डूबी हुई हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे बच्चों को जो कुछ भी देना चाहिए। बच्चों, आप लोग अपने स्कूल जाते हैं, कुछ शायद संगीत विद्यालय भी जाते होंगे, कुछ आप लोग नृत्य भी करते होंगे, कोई वाद्य भी बजाते होंगे, तो सुर क्या है इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो है, क्योंकि अभी आपने गाया भी था ना, तो थोड़ा सा हम लोग सुर के बारे में बात करेंगे। जैसे चित्रकार है तो भाई उसका माध्यम क्या है, उसके पास ब्रश होगा, आकृति होगी, रंग होंगे, ठीक है। कवि, उसका माध्यम है शब्द, वो शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को आप तक पहुँचाता है, व्यक्त करता है। उसी तरह से गायक जो है वो अपने सुर की भाषा से आपको कुछ बताने की कोशिश करता है। तो हम लोग थोड़ा से सुर की बात करें। आप लोगों को कुछ पता है सुर कितने हैं हमारे भारतीय संगीत में? सात सुर हैं। तो हम थोड़ा सा तानपुरा जी मैं ला के देता हूं आपको, आ जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। धन्यवाद। अब सात सुरों की बात मैंने अभी कही, आप लोग जानते हैं उसका पूरा नाम क्या है? सारे ग म प ध नी षड्ज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद। अरे वाह, बहुत ही होशियार बच्चे हैं ये लोग। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग शुद्ध स्वर के पहले बात करते हैं। सारे ग म प नी सा सा
ये तो आपके हो गए सात शुद्ध स्वर। अब आप लोग ये भी जानते होंगे कि विकृत स्वर भी हैं कुछ। विकृत स्वर मतलब जो शुद्ध स्वर हैं कुछ उससे नीचे को चढ़े हुए हाँ, वो आप जानते हैं क्या, कोई बता सकेगा? हाँ बोलिए। तो ऋषभ मतलब रे और ग और ध और नी, ये चार हो गए कोमल स्वर, सही। और मध्यम तीव्र, वेरी गुड। और पंचम ये अचल स्वर है, पंचम। और षड्ज, तो षड्ज जिसमें से, षड्ज मतलब सा, जिसको हम लोग कहेंगे आधार स्वर, जिसमें छह सुरों को अपने में समाने की शक्ति है, हाँ, षड्ज, ठीक है, इसीलिए वो षड्ज कहा गया है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ कहानी के रूप में जरा इस बात को ये सोचें। कहानी ऐसी है कि यदि हम रे शुद्ध और रे कोमल, यदि हमको ये फर्क बताना हो तो वैसे तो ठीक है, तुमने अभी कहा स रे, ये क्या रे शुद्ध था कि कोमल था? कोमल, कोमल, वेरी गुड। स रे ये शुद्ध है। अब एक काल्पनिक कथा है, ये ऐसी काल्पनिक कथा है कि एक फिफ्थ सिक्स्थ ग्रेड के बच्चे हैं और उसमें एक लड़का तो बड़ा ही अलर्ट है और बिल्कुल फटाफट काम करता है, और कुछ एक जो लड़का कोमल ऋषभ वाला है वो ज़रा उसको थोड़ा सा सुस्त है ज़रा, और अपने आराम से अपने ढंग से इत्मीनान से काम करने वाला है। स्कूल में जो उसके क्लास टीचर थे वो बड़े समय के पाबंद, तो हुआ क्या कि ये जो थे कोमल ऋषभ वाला, ये ज़रा थोड़ा सा अपना आराम से सब कुछ काम करने वाला था, तो थोड़ा सा उसको ये डर भी बना सा था कि पता नहीं आज तरफ ज़्यादा ही कुछ देरी हो गई है। तो वो पीछे के दरवाजे से, एक दो दरवाजे थे, एक तो सामने के दरवाजे से और एक पीछे के दरवाजे से, जैसे बिल्कुल चोर ऐसे धीमे से घर में घुसता है ना, तो सारे ऐसे वो पीछे जा करके बैठ गया कुर्सी पे अपनी जगह। और जो वो शुद्ध ऋषभ वाला था, वो हमने तुमको पहले ही बताया कि बड़े सही समय पे आना वगैरह उसका सब था, वो बिल्कुल सारे वो देख रहा था कि उसको हाँ देरी हो गई है। आपको ऐसा कुछ लगता है क्या, यदि मुझे सा के साथ में ऋषभ कोमल जो है वो बिल्कुल उससे एकदम सट कर है? अब हम लोग थोड़ा सा अलग अलग रागों को भी जरा देखें। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि श्रुतियों को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास 12 स्वर हैं। उन 12 स्वरों के कितने कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से राग कितने होंगे? देखिए ऐसा है, राग तो अनगिनत हैं जी, लेकिन बेसिक विशेष राग जी एक 30-40 राग जो हम लोग हमेशा अलग अलग कलाकारों के से सुनते आए हैं। वैसे हमने कहीं कहीं पढ़ा है कि 6 राग और 36 रागनियों के ही फिर बाल बच्चे पोती नाते पोड़ते होते चले गए। सही बात है, ये सही है, ये सही है। अब जैसे गंधार कोमल यहाँ पे है, हाँ, नी सा ग म प ग ग म प नी सा नी ग नी द प द ब म प प ग सा ग म प ग म ग रे। अभी तक हम लोग केवल सुर की बात कर रहे थे, हाँ, फिर सुर 7 शुद्ध स्वर हुए, 4 कोमल स्वर हुए, 1 कोमल विकृत हुआ, 1 तीव्र विकृत हुआ। अब हम लोग इसमें कुछ ऐसे करते हैं कि एक राग के लिए नीसा ग म प नीसा, राग के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने आरोह में समझ लीजिए ऋषभ और धैवत, रे और ध को नहीं लिया, वर्जित कर दिया, ठीक है। और अवरोह करते समय सा नि ध प म प ग म ग रे सा, सातों स्वर
प्रवेश किया, ले लिए। ठीक है, अब इसमें पहला नियम इस राग में क्या हुआ कि गंधार और निषाद कोमल। अच्छा वो भी क्यों भाई, निषा ग मा प ने निषा ग, इसका और इससे कुछ सवाल जवाब है। जी जी जी, निषा ग ग म प ने प ने सा ग रे सा रे ने प ने सा रे धा प ग ग प म प ग सा ग म प ग म ग रे सा। अब एक छोटा सा सरगम गीत हम सुनाते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप भी उसको थोड़ा सा फॉलो करें। हाँ, अब इस सरगम गीत में लय भी आएगी, ताल भी आएगा, तो थोड़ा सा हम लोग लय ताल के बारे में भी जरा जान ले। मैं एक कॉमन आदमी हूँ और जो थोड़ा बहुत संगीत और ताल से जुड़ा हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली सुर से ज्यादा यूनिवर्सल बीट है। ये पलक का झपकना, ये हृदय का स्पंदन, ये नाड़ी का धड़कना, ये सब प्रकृति की ही अपनी एक ताल है। ये तो ताल हुई और मुझे ऐसा लगता है कि बीट, ये बीट नहीं हो सकती है, ये बीट नहीं हुई, उस की पुनरावृत्ति ही, उसका रेपिटेशन ही बीट बनेगा। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहा ये मैंने बचपन में एक, हम लोग बैठे हुए थे स्टूडेंट, तो हमने हंसी राग बनाया था। हम लोग सब यही करते हैं, मैं उसको थोड़ा सा कलाकारी बना के, लेकिन करते यही हैं। अच्छा ट्रेन में हम सबने सफर किया है ना, ट्रेन, जरा ट्रेन की बीट सुनना, शटक पटक शटक पटक शटक पटक शटक शटक पटक शटक पटक शटक पटक शटक। देखिए मैं एक लेमैन की तरह बता रहा हूं, आप गुरुजन हैं, आपके पास डेफिनेशन है, मैं लेमैन कैसे महसूस करे, लेमैन कैसे सीखे, शटक पटक शटक पटक शटक पटक शटक पटक। अब देखो बीट टूटेगी, शटक पटक, एक छोटी सी पुलिया आई, पुलिया के साथ उसने अपनी जुगलबंदी की, शटक पटक शटक पटक लय, शटक पटक शटक पटक, छोटी सी एक पुलिया, शटक पटक शटक पटक शटक पटक, बड़के दिख रहे हो, शटक पटक शटक पटक शटक पटक शटक, वो चल रही बीट में चल रही, ठीक है, एक छोटी सी पुलिया आई उसके साथ बड़के चिकन बोल रही है, शटक पटक शटक पटक शटक पटक। अब लेकिन उसका, उसकी जुगलबंदी बड़े पुल के साथ अलग हो जाएगी, बड़ा पुल, धड़गंजम 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 धड़, शटक शटक पटक शटक। सामने से एक ट्रेन आ रही है, सामने से एक ट्रेन आ रही है, उसकी अपनी अलग लय है, उसकी अपनी रिदम अलग है, उसकी बीट अपनी अलग है, वो भी लेकिन एक पॉइंट के ऊपर जाके वो तुमसे कैसे, बोलो शटक पटक शटक पटक शटक पटक शटक पटक, सामने वाली ट्रेन, शटक पटक शटक पटक शटक पटक शटक, गिरलिंग तस 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 गिरलिंग तक तक शटक। आपके अपने अंदर, ये तो मैंने उसको थोड़ा सा, उसको एक हास्य तरीके से इजी समझाने के लिए आपको रखा, बाकी उसकी जो मर्म है वो तो आप समझाएंगी। मैं तो एक ले मैन कॉमन आदमी, जिसके, आपको मालूम है मेरे बाप तक को म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरे पिताजी को तो कॉलेज, लाहौर के कॉलेज के अंदर बेसुरा गाने पर फर्स्ट प्राइज मिला था, मैं उस पिता का योग्य संतान हूँ। लय मतलब रिदम, और एक ही रिदम आजकल ज्यादा जानी जाती है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब इसी के साथ में 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने क्या किया, एक सी लय में गिनती गिनी, एक पहले एक गुण की, हाँ दुगुन, बहुत सही। तो थोड़ी सी ऐसी भी कल्पना की जा सकती कि 1 2 3 4, ये बिल्कुल गजराज, स्लो मार्च, गजराज गजराज की चाल, स्लो मार्च चल रहा है, और उसी के साथ में
One, two, three, four. Left, right, soldiers की, हाँ? ठीक है? चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा ताल के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ जानना चाहते हैं आप लोग को कुछ ताल पता है? सबसे लोकप्रिय ताल कौन सा है? तीन ताल, very good. तो हम लोग पहले तीन ताल सुने. धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन. ये जानते हैं आप लोग? धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा. बहुत अच्छी बात. अच्छा, हम एक थोड़ी सी आपको सरगम भीमपलासी में सुनाते हैं. रे नी सा मा मा पा गा मा. रे नी सा मा मा पा नी पा गा मा. रे नी सा मा मा पा गा मा. पा नी सा गा रे सा नी दा पा मा पा नी पा मा गा मा. रे नी सा मा. ये सरगम गीत की स्थाई हुई. अब हम लोग स्थाई, अब कहेंगे आप कहेंगे कि स्थाई ये क्या हो गया. तो भाई एक छोटी सी रचना है, उसका एक एक भाग ये हुआ. अब दूसरा भाग तो स्थाई, ये एक उसका एक भाग हुआ. और दूसरा भाग क्या होगा? अंतरा. हाँ, शाबाश. तो इसका अंतरा कैसे वो सुन लीजिए पहले. मा पा गा मा. रे नी सा मा मा पा गा मा. पा नी 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 पा नी सा गा मा. पा नी 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 पा नी सा नी सा मा गा. रे सा नी सा मा मा गा पा पा मा. नी नी पा सा नी गा. अब एक और एक कहानी, बड़ी रोचक कहानी है, वो हम लोग थोड़ा सुनेंगे और फिर आप इस सरगम गीत को हम लोग सीखेंगे. सीखना है कि नहीं? बिल्कुल. अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है. अच्छा. तो ये कहानी ऐसी जाती है. बगुला भगत सुना है कभी? एक नदी के किनारे ऐसी लंबी चोंच ऐसे करके बैठा रहता है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है. तो एक नदी के किनारे आराम से एक बगुला जी अपने ध्यान और जप तप कर रहे हैं. रे नी सा मा मा पा गा मा. रे नी सा, बिल्कुल आंख बंद जैसे कोई एकदम निश्चल, कुछ भी हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, एकदम ऐसा. और हो क्या रहा है बीच में? उसको भी तो भूख लगेगी ना. उधर बैठा हुआ देख रहा है यहाँ पर इधर उधर, कुछ मछली वछली मिले, कुछ पेट वेट भरने की कुछ इंतज़ाम हो. तो रे नी सा मा मा, बिल्कुल ऐसा रुका हुआ है. रे नी सा मा मा पा गा मा. रे नी सा मा मा पा गा मा. पानी सा गार सा आ मछली मिल गई खाई. पानी सा गार सा नी दा पा मा, निकल गया वो. पानी पा गा मा. रे नी सा मा, बिल्कुल ध्यानस्थ मुनि जैसे बैठे हुए हैं. फिर हुआ क्या? गा मा पानी नी नी. कुछ ऐसी बंदूकों की आवाज आई. ये घबराए कि ये अब कुछ जगह सही दिख नहीं रही है, सुरक्षित नहीं. भाई आप क्या करें? ये इन्हें अब तो यहाँ पे हमारी खैरियत नहीं. गामा पानी नी नी पानी सा मगर सा नी सा. अब हमको ये जगह छोड़ देनी चाहिए. नी सा मगर सा नी सा, बिल्कुल निश्चित बुद्धि. Decided that we should leave this place. Ni sa ma ga re sa ni sa ma ma ga pa pa ma. Ni ni pa sa sa ni ga re sa ni da
वो अपना आकाश में अपने पंखों के मदद से उड़ के वो नदी के उस दूसरे किनारे पर चला गया। फिर वहां पे वही काम चालू, रे नी सा मा म प ग म रे नी सा मा म प ग म रे नी सा मा म प ग म प नि सा ग रे सा नि द प म प नि ग म ग म रे नी सा मा म प ग म प नि सा ग रे सा नि द प म प नि ग म ग म प नि सा ग रे सा नि द प म प नि ग म ग म प नि सा ग